नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सीएम नीतीश ने बिहार को दी सौगात। बिहार में अब बुजुर्ग के अकाउंट में अचानक से आए करोड़ों रुपए। एनआईटी पटना में अब हिंदी मीडियम में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पंचायत सरकार भवनों में खोले जाएंगे बैंक शाखा। सीएम योगी पर केस करने वाले को मिली धमकी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज का दिन संसार के पहले इंजीनियर विश्वकर्मा भगवान को है समर्पित। आज के दिन 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवों के शिल्पी, वास्तुकार और संसार का पहला इंजीनियर कहा जाता है। वे इंद्रपुरी, द्वारिका नगरी, सुदामापुरी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका नगरी, पुष्पक विमान, शिव के त्रिशूल, यमराज के कालदंड और विष्णु चक्र आदि के निर्माण करता है। इस दिन कारखानों, कार्यालयों, उद्योगों आदि में भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। माना जाता है कि उनके ही कृपा से बिजनेस और काम में तरक्की तथा उन्नति मिलती है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सीएम नीतीश ने बिहार को दी सौगात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश विदेश से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए उनके लंबे जीवन की कामना की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को भी कई सौगातें दी है, जिसके तहत आज उन्होंने विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 70 नई ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मुहैया कराई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाया, जिसके तहत आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया। इस कैंप के जरिए आज 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। एनआईटी पटना में अब हिंदी मीडियम में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एनआईटी पटना एक ऐसा संस्थान बनने वाला है जहां अब इंजीनियरिंग के छात्र हिंदी माध्यम में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। दरअसल में नए सत्र 2021-22 से पटना के एनआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी हो सकेगी। संस्थान के निदेशक ने बीटेक कोर्स के पहले सेमेस्टर में हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब पहले सेमेस्टर के बीटेक के छात्रों के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा। बताते चले कि यहाँ नई शिक्षा नीति के अनुसार ही सिलेबस को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। बिहार में अब बुजुर्ग के अकाउंट में अचानक आए करोड़ों रुपए। बिहार में बीते कुछ दिनों से लोगों के बैंक अकाउंट में अचानक से ढेर सारे रुपए आने के कई मामले आ चुके हैं। ऐसा ही एक और मामला अब मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां अचानक एक बुजुर्ग किसान के बैंक अकाउंट में 52 करोड़ रुपए आ गए। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के राम बहादुर शाह अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए एक सीएसपी संचालक के पास गए थे, लेकिन जैसे ही खाता चेक करवाने के लिए उन्होंने अंगूठा लगाया तो बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपए थे। आपको बता दें कि अभी बीते दिन ही कटिहार के दो छात्रों के खाते में भी 960 करोड़ से ज्यादा की रकम आने की बात सामने आई थी। ऐसे में ऐसी घटनाओं पर सभी लोग हैरानी जता रहे हैं। पंचायत सरकार भवनों में खोले जाएंगे बैंक शाखा। बीते दिन राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 78वीं बैठक के उद्घाटन समारोह में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी बात कही। डिप्टी सीएम ने राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर सभी बैंकों को निर्देश दिया और कहा कि राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएं। इसके लिए सरकार की तरफ से बैंक शाखा खोले जाने के लिए पंचायत सरकार भवन मुहैया कराए जाएंगे। इसके तहत सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस कड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बताते चले कि ऐसा होने से गांव में दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वित्तीय लेन देन में आसानी होगी। खराब काम करने वाले अफसरों पर होगी विभागीय कार्रवाई। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर कई बार आम लोगों की खूब शिकायतें आती हैं, तो वहीं विभाग भी लापरवाह अधिकारियों पर अपनी नजर को बनाए रखे हुए है। विभाग की तरफ से अच्छे और खराब काम कर रहे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा जुटाए जाने की कवायद की जा रही है। इस कड़ी में बीते दिन अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने वाले 9 राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता को 11,000 रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। दूसरी तरफ विभिन्न आरोपों के कारण 11 पदाधिकारियों को निलंबित भी किया गया, जबकि 24 पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।
अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है, जिसके कारण से बीते दो दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। तो वहीं आज भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से संभावना जताई गई है कि कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पटना, गोपालगंज, सिवान और सारण सहित कई जिलों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, रोहतास और चंपारण के इलाकों में भी बारिश के आसार है। सुबह की शुरुआत ही करीब करीब पूरे राज्य में बादलों के साथ हुई। तो वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून खूब अच्छी तरीके से सक्रिय है और बारिश हो रही है। इसी का थोड़ा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के 8 जिलों से 12 नए कोरोना मामले आए सामने। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 12 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत भोजपुर से 3 मरीज मिले, तो वहीं रोहतास और शिवहर से 2-2, जबकि पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय से 1-1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 6 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 71 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.65% पर पहुंच गया है। लोजपा सांसद प्रिंस राज से हो सकती है पुलिसिया पूछताछ। समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज को हिरासत में भी लिया जा सकता है। अपने ऊपर दर्ज FIR के मामले में प्रिंस राज ने अग्रिम जमानत की अपील की थी, जिसके बाद बीते दिन दिल्ली के एक अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर महिला ने प्रिंस राज पर मामला दर्ज करवाया है और शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक प्रिंस राज से कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बरामद किया जाना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रिंस राज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रिंस राज के वकील का कहना है कि यह पूरा मामला हनी ट्रैप का है, जिसमें प्रिंस राज को फंसाया जा रहा है। बिहार में बालू से तैयार हुई PM की 71 फीट की आकृति। बिहार के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर नेताओं में खासा उत्साह है और इसे मेगा इवेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। इसके तहत 6 कलाकारों ने 71 वर्ग फीट में PM मोदी की आकृति को सैंड आर्ट के जरिए प्रदर्शित किया। ये कलाकार पटना आर्ट कॉलेज के हैं, जिन्होंने इस विशाल सैंड आर्ट को तैयार किया। इसमें केसरिया रंग के कमल छाप के साथ ही बिहार के नक्शे को भी देखा गया है। तो वहीं भारत के मानचित्र पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को दर्शाया गया है, जिसमें वे केसरिया बंडी और सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि इस पूरे आयोजन में कई और आकृतियां तैयार की गई है। इनमें राम मंदिर की थर्मोकोल से बनी आकृति के साथ ही जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर लहराते हुए तिरंगे को भी दिखाया गया है। कांग्रेस मना रहा बेरोजगारी दिवस, तो RJD ने किया पोस्टर बार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बधाई संदेशों के बीच विपक्षी पार्टियों की भी हरकतें सक्रिय हैं और विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरीकों से उनका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के नाम में मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर PM मोदी पर कई सवालों के साथ वार किया गया। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे प्रसिद्ध लाइन "मैं देश नहीं बिकने दूंगा" लिखी गई है और उसके अलावे उन पर सभी सरकारी संपत्ति का क्रमवार तरीके से जिक्र किया गया है, जो कि निजीकरण के दायरे में आने वाली है। साथ ही सवाल किया गया कि देश की संपत्तियों को बेचना किस तरह का राष्ट्रवाद है। CM योगी पर केस करने वाले को मिली धमकी। 3 दिन पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष जाति को टारगेट करते हुए बयान देने के मामले में परिवाद दायर किया था। उस कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बीती रात अब पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पुलिस को शिकायत में उक्त कार्यकर्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर केस कराने के बाद उसे देर रात एक अनजान नंबर से कॉल और दर्जनों मैसेज कर जान मारने की धमकी दी गई, साथ ही वीडियो कॉल करके भी धमकी दी गई, जिसके बाद उक्त कार्यकर्ता ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सम्राट चौधरी ने UP में गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह ही भाजपा और जदयू का मेल दिखेगा या नहीं, इस पर अब तक संशय बना हुआ है। अलग अलग नेताओं के मुँह से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही है। अब इस बारे में BJP कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू से गठबंधन का फैसला पार्टी के यूपी प्रभारी करेंगे। जहां तक अलग अलग लड़ने की बात है, तो पहले भी जदयू तो भाजपा से अलग होकर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उससे हमारे बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। हमारा गठबंधन बिहार व केंद्र से मजबूती के साथ रहेगा।
राजस्व विभाग मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा। बिहार के भूमि सुधार व राजस्व विभाग मंत्री रामसूरत राय के एक बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। यह बयान बुधवार को मंत्री रामसूरत राय ने दिया था और कहा था कि सीमांचल में विदेश के पैसों से जमीन खरीदी जा रही है, जिससे घुसपैठ चरम पर है। इस बयान के बाद जदयू के MLC ने एक तरफ उनसे इस्तीफे की मांग की, तो वहीं अब विपक्ष RJD की तरफ से भी बयान दिया गया है। RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि देश की सीमा की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। अगर मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो दिल्ली में PM मोदी और बिहार के CM को इस्तीफा दे देना चाहिए। गावस्कर ने KL राहुल को बताया भविष्य का कप्तान। भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट टीम की T20 टीम की कप्तानी छोड़ने पर अपनी राय दी है। गावस्कर को लगता है कि KL राहुल में कप्तानी संभालने की काबिलियत है और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के भावी कप्तान के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। कोहली के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी पद से हटने की घोषणा के बाद गावस्कर से यह टिप्पणी की गई। गावस्कर ने स्पोर्ट्स तक से यह कहा कि यह अच्छी चीज है कि BCCI आगे के बारे में सोच रहा है। भविष्य के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। अगर भारत नए कप्तान को तैयार करने के बारे में सोच रहा है तो KL राहुल को देखा जा सकता है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आप उन्हें बधाई संदेश के रूप में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।